पीडीपी के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर हुसैन बैग ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में सीट बंटवारे में असहमति को लेकर इस्तीफा दिया। पार्टी सूत्रों ने कहा कि मुजफ्फर हुसैन बैग ने पीडीपी संरक्षक महबूबा मुफ्ती को पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में बता दिया है। वह 1998 में पीडीपी की स्थापना के वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर हुसैन बैग तत्काल टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वह पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन द्वारा सीट बंटवारे खासकर उत्तर कश्मीर में सीट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। पीएजीडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और माकपा शामिल है। और इस बीच मुफ्ती ने ट्वीट किया कि पीएजीडी को जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, जिस पर अगस्त 2019 से लगातार हमला किया जा रहा है। ऐसा मानना है कि इसका गठन चुनाव में बढ़त हासिल करने या पार्टी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, जो यह गलत है। कांग्रेस ने भी पीएजीडी को अपना समर्थन दिया। जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच 8 चरणों में डीडीसी चुनाव कराए जाएंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।